प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मित्रों, हमारे देश इन्हें हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजपूत समाज अपने किसी पिछड़े हुए को पिछड़ी अवस्था में नहीं देखना चाहता। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर मैंने स्पीच भी डिलीवर किया वो मैंने हर एक महिला के लिए बोला। पद्मावती भी महिला है और इस समाज में रहने वाली हर लड़की, हर महिला महिला है, और जो प्रॉब्लम है इस समाज में महिलाओं को लेकर, मैंने उस पर रोशनी डाली और मुझे वही सही लगता है जी। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर महिला के बारे में ना बोलकर मैंने अगर ओवरऑल महिला के बारे में बोला, उसकी क्या समस्याएँ हैं, उसको समाज में अगर बात नहीं रखने दी जा रही है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। मैं एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपनी बात लेकर के आए, आगे रखे, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बुराई है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ये ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पर हम किसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। राजपूताना सेवा संघ है और यहाँ राजपूतों के बारे में बात की गई। मैंने भी राजपूत परिवार की जो महिलाएं हैं उनके विषय में मैंने बात की। कहना चाहिए समाज में एकता होनी चाहिए। जितने भी क्षत्रिय हैं मैं उनको बोलूंगी कि एक साथ एकजुट होकर रहिए, ताकि हम अपनी बात को रख सकें और एक इफेक्टिव वे में रख सकें। ये एक भूमिका है और कल से इस पे एक्शन है जी, समझ रहे हैं ना जी। यहाँ हमारे जितने सम्मानित लोग आए थे, सभी लोगों का मुझे एक बहुत बड़ा पीछे से सहयोग है, आगे से सहयोग है, सामने से सहयोग है जी। हमारी भाभी जी यहाँ खड़ी हैं आप लोगों के बीच में। ये कोई मुद्दा उद्दा नहीं है जी, ये क्रिएट किया गया मुद्दा है। इस क्रिएट किए गए मुद्दे को हम पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं जी। पिक्चर के विषय में बात करना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं पद्मावत, महावत, कहावत, नाणावत जी, ये अब नहीं चलेगी जी। इसके लिए जो कदम उठाना चाहिए सब उठेगा, जब जरूरत होगी, जिस चीज़ की जरूरत होगी हम करेंगे, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जिसकी मर्जी हो रहे। हमारी इज्जत आप नहीं करेंगे तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन सेशन कोर्ट और हाई भाई, देखिए कोर्ट का कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसके चार जज आते हैं, जिसके चार जज आते हैं बैठ के अपना ही रोना रोते हैं, ये भी तो जज ही हैं, ये भी तो कोर्ट में ही जाके बैठते हैं ना जी। और इनको क्या जरूरत थी मीडिया में आने के लिए? अगर ये बड़े सत्यवादी थे, एक रिजाइन देते, एक कागज लिख के घर जाते। तो ये जो चीज चल रही है, 12 घंटे का कौन सा कोर्ट का फैसला होता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट में जी। यहाँ हमारी भाभी जी खड़ी हैं, सालों से हम लोग दौड़ रहे हैं उसी चीज के लिए लगे हुए हैं, कोई जज नहीं बैठता है। कभी किसी की उंगली कट जाती, कभी किसी को बुखार हो जाता है, कभी किसी कुछ हो जाता है। और ये पिक्चर बनाई जा रही है या राजपूतों का चीरहरण हो रहा है, इसका किसी को सम्मान, इस पर ध्यान नहीं आ रहा है जी। तो ये सब छोड़िए, कोर्ट अपना काम करे, हम अपना काम करें, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है तो हमारी भी तो अभिव्यक्ति है जी। हमारी अभिव्यक्ति नहीं है क्या? 25 सिंह जी, 200 करोड़ के लिए पूरे राजपूत समाज की आस्था और इतिहास को दांव पर लगाया जा रहा है, इस पे सरकारें मौन है क्या, इस पे ध्यान नहीं? भाई, मुंबई में सबसे मशहूर बियर बार डांस बार था, वहाँ हजारों करोड़ रुपए रोज चलते थे, तो सरकारें जब चाहे तो उसकी चिंता नहीं की और बंद कर दी। तो ये 200 करोड़ रुपया कौन सा इतना बड़ा है? 16 करोड़ राजपूतों के मान सम्मान मर्यादा इतिहास का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस मजाक को अब हम उड़ाने नहीं देंगे। 60 साल से जिन्होंने हमको घोड़े पे बैठा के डाकू बना के जितने पैसे कमाने थे कमा लिए, अब ना हम डाकू हैं और ना हम पैसे कमाने के लिए हम पैदा होते हैं। अब ये पैसा कमाने का धंधा बंद होना चाहिए। हम दूसरों को सम्मान देते हैं, आप हमको सम्मान दीजिए। कानून देश को आज़ाद किसने कराया? हमने कराया। देश को जमीन किसने दी? हमने दी। देश को जान कौन दिया, खून कौन दिया? हमने दिया। है कि जो फिल्म बनाया गया है महारानी पद्मावती पर, जो हमारे आन बान शान थी, शान हैं, आज भी लोग गर्व से लोग नाम लेता है, और सिर्फ मतलब कि अपने लिए नहीं, देश के लिए, इज्जत आबरू की रक्षा के लिए 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जौहर दिया, तो उसमें सभी वर्ग के ये थे, सिर्फ नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज के। तो अभिव्यक्ति की मान लीजिए स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करिए, उसको गलत ढंग से आप पेश करिए। अरे, हमारे इतिहास के साथ एक साजिश के तहत इस तरह से किया जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा और जनता रोकेगी,
हमारा समाज रोकेगा। पहले आप हिंदू मुस्लिम किए, उसके बाद हिंदू, और हिंदू में अब क्षत्रिय के माथे पर कि डंडा हम खाएं, फिल्म नहीं चले तो हम करें, कोर्ट कचहरी हम जाएं, मतलब इस तरह से ये साजिश करके बांटा गया है। लगातार लगातार हमारे जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी किया जा रहा है। कभी बाजीराव मस्तानी बना करके, तो कभी देवदास फिल्म में ठाकुर को गाली दिया जा रहा है, मतलब रामलीला बनाया, हाँ कभी जोधा अकबर बना रहे हैं, हद की सीमा पर गया। अब महारानी पद्मावती पर बना के फिल्म पद्मावत कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हम लोग क्षत्रिय लोग का खून पानी नहीं हो गया है? हम तो कहेंगे 5 राज्य में है मुख्यमंत्री हैं, राजपूत मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं, विधानसभा में हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री, सब मिलकर के, और जनता जो क्षत्रिय समाज में है सब सब मिलकर के इस फिल्म को रोकेंगे। तब क्या इस तरह से रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये साजिश है हमारे अतीत के साथ भी, हमारे वर्तमान के साथ, और एक भविष्य के साथ, क्योंकि उससे प्रेरणा लेके लोग भविष्य में निकलता है। जो अतीत है उसको वर्तमान में जीता है। आप देखिए इसी तरह से आज आनंद मोहन जी के साथ हुआ, मेरे पति के साथ, जो जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उनको साजिश का तरह जेल भेज दिया, कोई पब्लिक गवाह नहीं, और फांसी की सजा हो जाता है, फिर आजीवन कारावास हो जाता है। हम लोग स्वतंत्र सेनानी परिवार से हैं, हमारे परिवार ने आज़ादी के लड़ाई में अपना वो दिया है, योगदान दिया है, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, तब जा कर के देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज भी हमको न्याय नहीं मिला है, आज भी हम न्याय से वंचित हैं। मेरे पति 13 साल से जेल के अंदर हैं, उनका क्या कसूर था? कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो असली यहाँ पर जो वर्तमान में है, वह वर्तमान में जो लड़ाकू लोग हैं क्षत्रिय समाज के, उनको निशाना बनाया जा रहा है और जेल में दिया। तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे। चेतन आनंद निकला है, चेतन आनंद बेटा है, और ये भी संघर्ष का प्रतीक है, और इससे ये भी निकल करके रूपरेखा किस तरह से तैयार हो रही है? रूपरेखा तैयार तो हो चुकी है, हमने जो भी हमारी तैयारियां थी हमने कर दी, यहाँ से मैंने उद्घोषणा भी कर दिया है। हमने सीधा सीधा बोला हुआ है कि अगर हमारे जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ आए हुए, अगर उनको दिखा दिया जाता है, वो अगर खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए या समाज के खिलाफ कुछ भी नहीं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन हम चाहते हैं कि संजय लीला भंसाली जी कम से कम हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको तो दिखाएं, लेकिन वो ये दिखाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना तो वो हमें वहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, ना तो कुछ भी लाइक उनकी तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सुतना संघ हर बार की लड़ाई के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, डंगे की चोट पे तैयार है, हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, जेल जाना पड़ेगा हम जाएंगे। छत्री कभी भी जेल जाने से इन सब चीजों से कभी डरता नहीं है, और हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हम जो आग लगाया हुआ है आज संजय लीला भंसाली ने, हम आग लगाएंगे, सिनेमा जो थिएटर्स हैं वहाँ पे आग लगाएंगे, हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे, हम हर तरह से तैयार रहेंगे। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।